Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the contact angle or angle of contact. तो साथियों अब हम discuss करने जा रहे हैं कि स्पर्श कोण क्या होता है और अलग अलग पदार्थों के बीच में हम स्पर्श कोण का मान भी ज्ञात करेंगे. तो सबसे पहले चीज की स्पर्श कोण या एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. तो ये क्या होता है कि किसी द्रव पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा ठोस पृष्ठ पर द्रव के अंदर की ओर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण स्पर्श कोण या एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाता है. ध्यान रखिएगा, ये दो स्पर्शियों के बीच का बना हुआ कोण होता है और वो दोनों स्पर्शियां क्या है, द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्शी और ठोस पृष्ठ पर द्रव के अंदर की ओर. ध्यान रखिएगा, द्रव के अंदर की ओर ना कि बाहर की ओर, ठीक है. तो द्रव के अंदर की ओर खींची गई स्पर्शी के बीच बना हुआ कोण स्पर्श कोण कहलाता है. तो जैसे हम देखते हैं कि ये दोनों इस तरीके के भी हो सकते हैं, ये ठोस पृष्ठ है और द्रव पृष्ठ इस आकृति का भी हो सकता है, अवतल और उत्तल भी हो सकता है. ऐसा भी हो सकता है. तो ये है द्रव और ये है ठोस. तो देखिएगा, हमने क्या बताया कि ये द्रव पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो ये अगर अवतल पृष्ठ है, अगर इस पर स्पर्शी देते हैं तो ये इस तरह की आएगी और ठोस पृष्ठ की स्पर्शी द्रव की तरफ अंदर की तरफ ये होगी, ना कि बाहर की तरफ. तो इनके बीच बना हुआ कोण स्पर्श कोण है. तो यहाँ पर द्रव पृष्ठ पर खींची गई स्पर्शी ये है और ठोस पृष्ठ पर अंदर की तरफ, द्रव के अंदर की तरफ खींची स्पर्शी ये है. तो ये थीटा है, ठीक है ना. तो ये है स्पर्श कोण. तो अब इनसे समझ में आया कि स्पर्श कोण क्या होता है, कि किसी द्रव पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है, तथा ठोस पृष्ठ पर द्रव के अंदर की ओर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच बना हुआ कोण स्पर्श कोण कहलाता है, ठीक है ना. ये न्यून कोण भी हो सकता है, समकोण भी हो सकता है और अधिक कोण भी हो सकता है. मतलब ये ऐसे भी हो सकता है क्षैतिज, ऐसे ऐसा भी पृष्ठ हो सकता है ये स्पर्शी और ये स्पर्शी. तो तीनों ही आकृतियां ऐसी हो सकती हैं. तो कब क्या कैसी स्थितियां होंगी इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं. देखिएगा, ये ठोस पृष्ठ के लिए यहां पर एडहेसिव फोर्स ऐसे होगा आसंजक बल और कोहेसिव फोर्स ससंजक बल इस तरीके से द्रव पृष्ठ पर कार्य करेगा FC और ये 45 अंश के कोण पर इस तरीके से कार्य करता है. तो इसका अगर ये घटक देखें तो FC cos 45 और ये घटक हो जाएगा FC sin 45, ठीक है. तो अब हमें इन दो बातों पर ध्यान देना है कि पहले स्थिति जब FA इक्वल FC sin 45 इसके बराबर हो तो परिणामी बल जो होगा F result 0 हो जाएगा और F result को हमने मान लो FR से डिनोट कर दिया है, 0 हो जाएगा. तो द्रव का तल क्षैतिज होगा. कि किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है ना. अब दूसरी स्थिति जब FA less than FC sin 45 हो तो अब तो रिजल्टेंट 0 नहीं होगा, यानी परिणामी अब 0 नहीं होगा. तो ये किस शेप में आएगी, तो ये इसकी आकृति जो होगी इस तरह से होती है, ऐसी उत्तल. मतलब अगर इसमें देखें तो परिणामी जैसे है ये इस तरीके से था, ये FA था और इस तरीके से FC है, तो इसका रिजल्टेंट भी अंदर ही कार्य करेगा. यानी अगर उत्तल पृष्ठ है द्रव तो इसका परिणामी द्रव के अंदर की ओर कार्य करेगा.
ठीक है ना। और अगर ये अवतल पृष्ठ होता इस तरीके से, अर्थात जब ये थर्ड कंडीशन है एफ ए ग्रेटर देन एफ सी साइन 45 डिग्री होता, तो अब क्या होता, अब ये इस आकृति में होता इस तरह की शेप होती, और यहां पर इसका ये एफ सी होता, ये एफ ए होता, और रिजल्ट जो होता इसका इस तरीके से बाहर कार्य करता, अर्थात अवतल पृष्ठ के लिए ये अवतल पृष्ठ है, इसका परिणामी जो होता है वो द्रव पृष्ठ से बाहर की तरफ कार्य करता है। तो देखिएगा जब एफ ए एफ सी साइन 45 के बराबर है तो परिणामी शून्य होगा और द्रव का तल क्षैतिज होगा, कुछ इस तरीके से। जब ये एफ ए लेस देन एफ सी साइन 45 होगा तो द्रव का तल उत्तल पृष्ठ होगा, यानी परिणामी उत्तल पृष्ठ यानी द्रव पृष्ठ के अंदर की ओर कार्य करेगा। और जब ये एफ ए ग्रेटर एफ सी साइन 45 होगा तो इसका जो रिजल्टेंट होगा द्रव पृष्ठ से बाहर की तरफ कार्य करेगा, इस तरह से अवतल पृष्ठ होगा, ठीक है ना। तो ये होगा इसकी विभिन्न स्थितियां, और इन्हीं स्थितियों में देखिएगा कि शुद्ध स्पर्श कोण के मान है, स्पर्श कोण के मान, तो ये है शुद्ध जल व कांच के लिए थीटा का मान जो होगा वो 0 डिग्री होगा, ठीक है ना। और साधारण जल व कांच के लिए अगर देखेंगे तो थीटा का मान 8 डिग्री होता है, ठीक है। शुद्ध जल व चांदी के लिए स्पर्श कोण का मान 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा पारे व कांच के लिए स्पर्श कोण का मान 138 डिग्री होता है, ठीक है ना। और कांच क्रोमियम के लिए थीटा का मान 160 डिग्री होता है। तो ये ध्यान रखिएगा इन स्थितियों में थीटा के विभिन्न मान दर्शाए गए हैं। शुद्ध जल और कांच के लिए थीटा का मान 0 डिग्री होता है, साधारण जल और कांच के लिए थीटा का मान 8 डिग्री होता है, शुद्ध जल व चांदी के लिए थीटा का मान 90 डिग्री, पारे व कांच के लिए थीटा 138 डिग्री, और कांच और क्रोमियम के लिए थीटा का मान 160 डिग्री होता है। ओके okay?